अपना क्या हुआ? रानी साहब आप अपने अंगूर खाइए, हमारा सर फटा जा रहा है। बट्टा कल की तरह आज भी हमें नींद की दवा खा के सोना पड़ेगा। ये भी कोई नींद की दवा है? अरे हमारे मायके में लोग नींद की दवा खा के सो जाते थे, ऐसे सो जाते थे, ऐसे सो जाते थे कि कभी जागते ही नहीं थे। रानी साहब आप भी फिर ऐसी दवा खाकर क्यों नहीं सो जाती है? अरे मजाक कर रहे हैं रानी साहिबा, मजाक कर रहे हैं। बीरबल आपकी तो अब सगाई तय हो चुकी है, बहुत जल्द आपकी शादी भी हो जाएगी। हमें एक बात बताइए, जिस तरह एक शादीशुदा औरत की पहचान उसका मंगलसूत्र है, उसकी मांग का सिंदूर है, वैसे एक शादीशुदा मर्द की क्या पहचान है? जा बना शादीशुदा मर्द की पहचान उसकी बुरी हालत होती है। बहुत जल्द समझ गए आप। मजाक कर रहे हैं रानी साहिबा, लेकिन दुनिया जानती है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की पहचान है उनका इंसाफ। अपने इंसाफ के लिए बादशाह अकबर किसी भी हद तक जा सकते हैं। माफ कीजिएगा जापाना, पर हमें ऐसा लगता है कि इंसान को अपने पहचान के दायरे में इतना भी कैद नहीं होना चाहिए कि उसके पहचान का कोई गलत फायदा उठा सके। ऐसा कभी नहीं होगा बीरबल, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। वैसे रानी साहिबा वो माया ने नाश्ता किया कि नहीं? ओहो जहांपना, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, जवान लड़की है, खुद खा लेगी। रानी साहिबा माया हमारे जंग में शहीद हुए मरहूम सिपे सालार की बेटी है, उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसे हमें सौंप कर गई, इसीलिए उसके जागने सोने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए रानी साहिबा हमें चिंता हो रही है कि वो रह कहाँ गई, अब तक आई क्यों नहीं। अरे जहांपना आप परेशान मत हो, आप जानते हो ना माया को दौरे पड़ते हैं, दौरा आया होगा, कहीं इधर उधर चली गई होगी, दौरा उतर जाएगा तब आ जाएगी। आप बैठिए, आप खाइए। वो नहीं आई, लेकिन ये राजा दरबान का रह गए, हमने उसे भेजा था माया को ढूंढने के लिए। झापना झापना माया जी अपने कमरे में नहीं है, हमने उनको पूरे महल में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उनके कमरे से ये खून से सना हुआ दुपट्टा मिला है झापना। खून से सना दुपट्टा? अगर माया को कुछ हो गया तो उसकी माँ को हम क्या जवाब देंगे? बीरबल तहकीकात कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस खून से सने दुपट्टे में और माया के गायब होने में कोई रिश्ता ना हो। अरे भुल्ला जी आप यहाँ? शक नहीं, नहीं कोई शक नहीं है भुल्ला जी, लगता है आपको भी माया के गायब होने की खबर मिल गई। तो बताइए क्या आपको कोई सुराग मिला? जी हाँ, ये देखिए माया के इस कमरे की हालत और फर्श पर पड़ी हुई ये टूटी हुई चूड़ियां और खून के बूंद तो साफ बयान कर रहे हैं कहीं ना कहीं माया का किसी के साथ कोई खूनी संघर्ष हुआ है। ये देखिए मुल्ला जी माया के चुनरी का टुकड़ा। हाँ और ये देखिए फल के कटोरे से चाकू गायब है, इसका मतलब तो यही है कि माया का जिस शख्स के साथ संघर्ष हुआ उसने इसी चाकू से माया पर हमला करके उसका कत्ल करके उसे यहां से अपने साथ ले गया है, तभी तो माया के लिबास का कपड़ा फंसकर फट गया दरवाजे पर। भुल्ला जी आप जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, मगर ये भी हो सकता है कि अचानक शायद माया को पागलपन का दौरा पड़ गया, उस पागलपन के दौरे में उसने अपने कमरे की खुद ये हालत कर दी हो और खुद को घायल करके भाग गई हो। बीरबल जी अगर माया खुद अपने पैरों पे गई होती तो उनके लिबास का कपड़ा यूं फंस कर ना पड़ता, और ये खून की बूंदे देखी ये दरवाजे तक नहीं जा रही, इसका मतलब कोई माया को अपने कंधे पर लाद कर यहां से गया है, जिसकी वजह से माया के जिस्म से बहता हुआ खून उस आदमी के शरीर पर गिरने की वजह से फर्श पर नहीं टपक पाया। तरीज शक।
जहांपना, आप खामखा बीरबल और मुल्ला जी की बातों से परेशान हो रहे। अरे कौन करेगा उस पागल माया का कत्ल? हम तो कहते हैं बीरबल और मुल्ला जी से कहकर ये कार्रवाई रुकवा दीजिए। नहीं रानी साहिबा, नहीं, जरूर उस बिचारी माया के साथ कुछ गलत हुआ है। अगर बीरबल और मुल्ला की तहकीकात से ये साबित हो जाता है कि उसका कत्ल हुआ है, हम उस कातिल को ऐसी सजा देंगे रानी साहिबा, उस कातिल को ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह कांपेगी। हुजूर, जब कल रात मैं माया जी के कमरे के बाहर आखिरी गश लगा रहा था तो रानी साहिबा को माया जी के कमरे पे जाते हुए देखा था। रानी साहिबा को माया के कमरे में जाते हुए देखा, क्यों? पता नहीं हुजूर, लेकिन रानी साहिबा माया जी पर बहुत भड़की हुई थी और रानी साहिबा के जाने के बाद माया जी कमरे के बाहर आके चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। और क्या बोलूं? क्या? जी हाँ हुजूर। फिर माया जी मुझसे आके कहने लगी, मैं मरना नहीं चाहती, आज रात तुम मेरे कमरे के बाहर ही रहो। तो मुझे लगा कि माया जी को दौरा पड़ा है इसलिए वो चीख रही है। और क्या बोलूं? ठीक है, आप जा सकते हैं। हुजूर, खुदा झूठ ना बुलाए, दासी हूं, लेकिन माया जी ने मुझे बताया था, उन्हें पहले से ही शक था कि उनके जवान इकलौते भाई की मौत कोई साधारण मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। और तब से उनके दिमाग में ये डर बैठ गया है कि कहीं कोई उनका भी कत्ल ना कर दे, और इसलिए दौरे में भी वो यही चिल्लाती रहती है कि कहीं कोई उन्हें मार देगा। शाही खून है हम, अगर माया हमें एक बार बता देती तो हम अपने फौलादी डोलों की जान निकालकर उसकी नाजुक जान में डाल देते, और उसकी नाजुक जान इतनी फौलादी होती कि उसे कभी किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना बीरबल जी? लेकिन आप ये करते कैसे? हम वो करते ऐसे, लेकिन हम करते जरूर। जरीना जी, आप बता रही थी कि जब कल रात आप माया के साथ दौरे पर गई थी तो उसने आपको किसी का नाम बताया था, कौन था वो? हुजूर, खुदा झूठ ना बुलवाए, लेकिन वो बोल रही थी कि उसे अपनी जान का खतरा है। अब जाने दीजिए ना हुजूर, बीमार इंसान तो कुछ भी बोलता है। देखिए देखिए सरीना जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बेखौफ होकर हमें उस इंसान का नाम बताइए, कौन था वो इंसान? हुजूर, खुदा झूठ ना बुलाए तो सुनिए, शहर सलीम। अरे लेकिन बीरबल जी, रानी साहिबा के अदब में इस खादिम का बात अब सलाम। सलाम मुल्ला जी। रानी साहिबा, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते थे कि मलिकाए हिंदुस्तान हैं आप, और ऐसे में उस नाचीज माया के कमरे में जाने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी आपको? आपने उसे बुला लिया होता अपने कमरे में? नहीं मुल्ला जी, हम क्यों जाएंगे उस माया के कमरे में? नहीं, हम कभी नहीं गए मुल्ला जी, हम उसके कमरे में कभी नहीं गए। दाढ़ी के शक? सोहल, आप रात से लेकर सुबह तक माया के कमरे के आसपास गश्त लगा रहे थे, इस दौरान क्या आपने किसी को माया के कमरे में जाते या कमरे से बाहर आते देखा? जी हाँ हुजूर, देखा तो था। जागते रहो, ये शाही खून है, हम जागी तो रहे, अब और कितना जागे? शहजादे सलीम, ये पहरेदार है इसलिए जागते रहो, इनका तकिया कलाम है। लेकिन तकिया और कलम कहाँ है? तो बताइए आपने किसे देखा था? या अल्लाह, ये बताइए कि
और क्या देखा? हुजूर देखा नहीं, सुना था। जब हम गश्त का चक्कर लगाकर माया जी के कमरे के सामने आए तो माया जी के कमरे से उनकी डरी हुई आवाज आ रही थी, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए, जागते रहो। लेकिन जब माया बात कर रही थी, जब आपने माया की आवाज सुनी तो क्या वो किसी का नाम ले रही थी? जी हुजूर। किसका नाम ले रही थी वो? या अल्लाह, मीर वजीर। क्या रे इरफान, आज तू नौकरी पे देर से आया, लगता है तुझे नौकरी प्यारी नहीं है। अरे अब मुझे किसी का डर थोड़ा ही है, रानी साहिबा का हाथ जो मेरे सर पर है, पता है क्यों? क्योंकि कल रात मैंने रानी साहिबा का एक बहुत बड़ा खुफिया काम किया है, उनके एक सर दर्द का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है, और इसके बदले में रानी साहिबा ने खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया है। तुझे तो कुछ काम करके इनाम मिला है और मुझे बिना काम किए सुबह सुबह रानी साहिबा ने मुझे सोने के बटन इनाम में दिए। अच्छा, मुल्ला जी आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे आप हम पर, रानी साहिबा पर इल्जाम लगा रहे कि हमने पहरेदार इरफान को कहकर माया का कत्ल करवाया है? सही कह रही है ये मुल्ला जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप रानी साहिबा पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। किसने कहा आपसे ये बात, आपसे कही किसने? जहां बना, वैसे तो पहरेदार इरफान रानी साहिबा के डर से हमें कुछ नहीं बता रहे थे। वो तो रानी साहिबा का वो झूठ कि उस रात वो माया के कमरे में नहीं गई थी, और फिर पहरेदार इरफान का उनके लिए किया हुआ वो बड़ा खुफिया काम, इसीलिए हम ये सोचने पे मजबूर हो गए। जहां बना, अरे मुल्ला जी हम उनके कमरे में गए थे माया, हाँ जहां बना हम माया के कमरे में गए थे, लेकिन उसका उसका कत्ल करने नहीं, उसने हमारी माता के जेवर चुराए थे। ओहो, तो ये बात है, ये बात तो आपने हमें बताई भी थी, और हमने आपसे साफ साफ कहा था कि खाम खाम उस लड़की पर शक मत कीजिए, वो चोर नहीं हो सकती है। वही तो जहां बना, हम जानते थे कि उसी ने जेवर चुराए, लेकिन हमने आपको बताया नहीं, आपकी डांट ना पड़े इस वजह से, और मुल्ला जी से भी हमने झूठ कहा कि हम उस कमरे में नहीं गए थे। हम उस कमरे में गए थे लेकिन उससे पूछताछ करने, लेकिन इतना डांटने के बाद भी उस लड़की ने हमारी मासा के देवर नहीं दिए। पहरेदार इरफान, रुकिए, आप रुकिए, हम पहरेदार इरफान को बुलाते। रानी साहिबा यहाँ पे इतनी जगह है ना, वहाँ जाइए ना। हाँ हाँ, अरे कोई है सिपाही, ओ कोई है, ओए सिपाही, पहरेदार इरफान को बुलाइए। मुल्ला जी अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रानी साहिबा, आपने हमें बुलाया? हाँ इरफान, जरा मुल्ला जी को बता दीजिए वो कौन सा बड़ा खुफिया काम हमने आपसे करने को कहा था। हुजूर, रानी साहिबा ने मुझसे कहा था कि, इरफान तुम माया के गांव से हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे अच्छी तरह से समझा दो, उसे कहो कि हमारे मासा के गहने जो उसने चोरी किए हैं वो हमें लौटा दे, अगर उसने ऐसा किया तो उसके बदले में हम उससे कुछ अपने गहने देंगे और तुम्हें भी एक अच्छा सा तोहफा देंगे। जो हुक्म रानी साहिबा। हुजूर, मेरे समझाने पर किसी तरह माया ने रानी साहिबा की जेवर वापस कर दी, बस यही काम था जो रानी साहिबा के लिए हमने किया था। ठीक है। ओहो, तो ये बात है, जेवर वापस मिल ही गए आपको, माफी चाहेंगे रानी साहिबा, हमने आपको गलत समझा, और ये बात तो अब आप भी समझ गए होंगे मुल्ला जी, यहाँ पर कोई कत्ल का इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तहकीकात जारी रखिए, पता कीजिए कत्ल किया किसने। जी जहांपनाह, माफी चाहेंगे रानी साहिबा।
मां समान रानी साहिबा पर इल्जाम लगाया। हट, ए, क्या कर रही हैं आप रानी साहिबा, क्या कर रही हैं आप? पानी पी रहे हैं, पानी है। जा बना की जय। आइए आइए बीरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी तो माया के कातिल का पता नहीं लगा पाए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ पता लगाया होगा। माया की माँ कभी भी आ सकती है। जा बना वो, जा बना अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? अब बीरबल कह रहे हैं तो आप लोग जरा जाइए जाइए, आप भी जाइए। ऐसी क्या बात हो गई बीरबल के इन सभी को बाहर भेजना पड़ा? जा बना, माया के कत्ल के जो हालात थे और जो सबूत है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी इंसान ने अनजाने में बेहोशी के हालत में माया का कत्ल किया है। कौन है वो कातिल बीरबल? माफ कीजिएगा जापना, पर माया के कातिल आप। ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप बीरबल? हमने माया का कत्ल किया है पर हमें ही पता नहीं है। जापना ये बताइए कि परसों रात आप कहां थे? परसों रात बीरबल, हम परसों रात हमें ठीक से याद नहीं है कि हम परसों रात कहां थे। हमने वो नींद की दवा खाई थी और नींद की दवा खाकर जाहिर सी बात है हम अपने कमरे में सो गए होंगे। नहीं जा बना, परसों रात आप अपने कमरे में नहीं थे। परसों रात आप कहां थे ये जानने के लिए हम माया के दरवाजे के बाहर जो गश्त लगाता हुआ पहरेदार था उसे बुलाना चाहे। हाँ बुलाइए, जरूर बुलाइए बुलाइए। सोहन, पहरेदार सोहन, बताइए कि परसों रात आपने क्या देखा? हुजूर, परसों रात जब हम गश्त पर थे तो हमने देखा कि जागते रहो। और हुजूर, जब हम गश्त लगाकर वापस लौटे तो माया जी के कमरे से डरी हुई आवाज सुनी। जापना, जापना छोड़ दीजिए हमें, हमें मत मारिए जापना, जापना छोड़ दीजिए हमें, जापना मत मारिए हमें, जापना छोड़ दीजिए जापना हमें। हुजूर, हमें लगा कि माया जी दौरे में कुछ भी बड़बड़ा रही है, इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया। जागते रहो। सोहन, आप जा सकते। ये कैसे हो सकता है बीरबल? आप ही हमें बताइए कि हम माया के कमरे में जाएंगे ही क्यों? जापना, आप जानबूझकर नहीं गए थे। हुआ यूं था कि परसों रात को आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आपने नींद की दवाई खा ली थी। उस दवाई से आपको नींद तो नहीं आई, लेकिन उस दवाई के नशे ने आपके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया और उसी आधी बेहोशी की हालत में आप अपने कमरे से निकले और महल में यहां वहां घूमने लगे। अब घूमते घूमते आपको जो दरबान अब्दुल मिले थे, आगे की कहानी वही आपको बताएंगे। हमसे मिला था, बुलाइए अब्दुल को, बुलाइए दरबान अब्दुल। अब्दुल, बताइए जापना को कि जब ये आपको मिले थे तो क्या हुआ था? हुजूर, उस रात जापना नशे की हालत में भटकते हुए अपना कमरा ढूंढ रहे थे तो हमने जापना को उनके कमरे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जापना, जापना ये आपका कमरा नहीं है। अरे
हमें पता है हमारा कौन सा कमरा है और कौन सा नहीं। आप जाइए ना, जाइए आप। अब्दुल आप जा सकते हैं। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जहां पर हमने आपसे कहा ना, आप आधी बेहोशी की हालत में थे और उसी आधी बेहोशी की हालत में अपना कमरा समझकर आप माया के कमरे में घुस गए। जापन आप माया की दासी जरीना ने हमें बताया था कि जब माया और जरीना साथ में दौरे पर थे तो माया ने जरीना से कहा था कि जापना से उनकी जान को खतरा है। तो जब आप माया के कमरे में घुसे होंगे और माया ने अचानक आपको अपने सामने खड़े देखा तो माया के बीमार दिमाग को लगा होगा कि आप उसका कत्ल करने आए और फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। जापना आप, जापना मुझे मत मारिए, 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 जापना मत मारिए मुझे। क्या कर रही हैं आप? क्या क्या हम आपको मारने नहीं आ। जा 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 पना, हम मत मत